अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। हम आपको अपनी आज की पॉडकास्ट के एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। आज के एपिसोड का जो हमारा मौजू है वो है ट्रांसजेंडर राइट्स और उसी के हवाले से जो कानून मौजूद हैं, और हम आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर्स को जिस तरह का ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी में दिया जाता है, हम बार बार देखते हैं कि उनको मार्जिनलाइज किया जाता है और उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते, तो इस पूरे चीज का जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा सा यूनिक इस तरीके से है क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है अदल और सेहत प्रोजेक्ट, हम लोग कानून के हवाले से भी बात करते हैं और हम लोग हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। आपने हमारी पुरानी एपिसोड्स में देखा होगा कि हमने सिर्फ या तो सिर्फ लीगल टॉपिक कवर किया है और या तो सिर्फ हमने किसी डॉक्टर के साथ कोई हेल्थ टॉपिक कवर किया, लेकिन आज के हम मौजू में बात करेंगे कानून के हवाले से भी और हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ ट्रांसजेंडर राइट्स और मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करने के लिए गेस्ट मौजूद हैं। उनका नाम है मिस लैला अफसर। मिस लैला जो है वो एक कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं और वो नॉन बाइनरी कलेक्टिव की को फाउंडर हैं। इसके अलावा वो स्पेक्ट्रम थेरेपी एंड मीडिएशन में एक थेरापूटिक काउंसलर भी हैं और वो उन्होंने ही स्पेक्ट्रम थेरेपी एंड मीडिएशन उसी की फाउंडर भी हैं। तो आज जो हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर राइट्स और मेंटल हेल्थ के हवाले से, उस पे लैला हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इतने अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि जनरली अगर आप ब्रीफ ओवरव्यू दें कि किस तरीके से जो है हमारा कानून ट्रांसजेंडर पर्सन को डिफाइन करता है और उसी के हवाले से क्या कानून मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान में जो है 2018 में एक फेडरल पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास की थी जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इसमें जो है उसके चार हिस्से हैं मेनली, जो आप उसके हवाले से अगर आप बात करें तो एक है आपकी शनाख्त। तो इस कानून ने आपको शनाख्त की आपको हक दिया है कि आप अपनी शनाख्त खुद इजहार कर सकते हैं और नादरा को जाके आप ये बता सकते हैं कि ये मेरी शनाख्त है और नादरा की रिक्वायरमेंट है कि आप वो वैसे ही रजिस्टर करें और कोई उसमें नादरा आपसे मेडिकल सवाल नहीं पूछ सकता या कोई असेसमेंट नहीं मांग सकता कानून के हवाले से। वो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी अंग्रेजी में लॉ में लिखा हुआ है ऐसे। तो एक हो गई शनाख्त। दूसरी होती है डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से इस एक्ट में जिक्र, जो उर्दू में इम्तियाजी कहते हैं, कि आप डिस्क्रिमिनेशन की गैर कानूनी करार किया गया है ट्रांसजेंडर शख्स को। तो आप डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो काफ़ी काफ़ी जगहों में आती है, उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट में भी आती है, काम करने की जगह में, आपकी तालीम में भी आती है, आपकी हुकूमत से जो आपको सर्विसेज मिलती हैं उसके हवाले से भी आती है, पब्लिक की जो स्पेसेस में होना होता है उसमें भी आपकी एंटी डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस होते हैं। तो ये काफ़ी, और इनहेरिटेंस की बात अगर हम करें तो वो इम्तियाजी की जो बात होती है विच इज़ द सेकंड एलिमेंट, इसमें जो है कानून में काफ़ी हिस्से आए हुए हैं। तो आप उसमें तालीम की भी बात कर सकते हैं, उसमें काम की भी बात कर सकते हैं, उसमें सेहत की भी बात कर सकते हैं, पब्लिक स्पेसेस में भी होने की बात कर सकते हैं। और उसमें ये कानून जो है ये इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्पेसिफिक तौर से लिखा हुआ है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इम्तियाजी जो है ये गैर कानूनी करार दी। तो ये एक्ट का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा जो होता है इसमें है कि हुकूमत के क्या ऑब्लिगेशंस हैं ट्रांसजेंडर शख्स के हवाले से। इसमें हुकूमत को ये बोला गया है कानून ने कि आपको ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, आपको सेंसिटाइज करना है, आपको जैसे जेल में होता है, जेल में आपको ट्रांस शख्स की स्पेसिफिक जगह बनानी है और भी काफ़ी पब्लिक स्पेसेस के ऐसे स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट में डाली गई है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी जरूरी है। और फिर आपकी जो आखिरी चीज़ है जो आपकी राइट्स के हवाले से, आपके हकूक़ के हवाले से, उस कानून में ये लिखा हुआ है कि आपको आपके हुकूक जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आईन में आपके जो हैं, वो उन्होंने बोले हैं कि ट्रांसजेंडर शख्स को मिले हैं एप्लीकेबल। और उसके अलावा स्पेसिफिकली भी कानून में ये लिखा गया है कि आपको राइट टू इनहेरिटेंस है,
आपका राइट टू एजुकेशन या तालीम है, आपकी राइट टू एम्प्लॉयमेंट मतलब काम, और आपको वोट करना जब इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं उसमें वोट करने की भी आपको राइट दी गई है, पब्लिक ऑफिस मतलब आपको खड़े होने की पब्लिक ऑफिस के लिए भी राइट दी गई है, सेहत की राइट दी गई है, मिलजुल के इकट्ठे होने की राइट टू असेंबली भी दी गई है, राइट टू एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस मतलब पब्लिक की जो जो जगह है वहाँ आपको एंटर करना और रहना अपने जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से, उसकी भी राइट दी गई है, राइट टू प्रॉपर्टी भी दी गई है। तो कानून में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो फंडामेंटल राइट जो आईन में है वो आपको एप्लीकेबल है, बट ये स्पेसिफिकली ये भी लिखा गया है कि ये अलग अलग राइट्स आपको एप्लीकेबल है और ये दोहराए गए हैं कानून में। तो ये चार आपके हिस्से होते हैं। अब बात आपने जो की थी ट्रांसजेंडर शख्स की डेफिनेशन की, वो ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको तीन हिस्से में, तीन डेफिनेशन में तकसीम किया गया है। तो इनमें या तो इंटरसेक्स शख्स हैं जिनके मिक्सचर ऑफ मेल और फीमेल जेनिटल फीचर्स या कंजेनिटल एम्बिग्युटीज हैं, जो कानून में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इंटरसेक्स शख्स जो होते हैं जो क्लियरली जब आप पैदाइश के टाइम पे डॉक्टर आपको देखता है उनको या तो मर्दाना या जनाना अजा क्लियरली नहीं दिखते, वो फिर उनको इंटरसेक्स करार किया जाता है, तो वो ट्रांसजेंडर पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आता है। एक दूसरा हिस्सा कानून में, यूनिट असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सिजन और कैस्ट्रेशन, मतलब जो मर्द अजा के साथ पैदा हुआ है मगर वो काटे गए हैं अजा, तो उनको भी ट्रांसजेंडर शख्स के डेफिनेशन के अंदर काउंट किया जाता है। और सबसे ब्रॉड जो डेफिनेशन है वो तीसरा हिस्सा है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सिरा या कोई भी शख्स जिसकी जेंडर आइडेंटिटी मतलब सिन्फी शनाख्त या जेंडर एक्सप्रेशन मतलब रहन सहन और कपड़े पहनना और मैनरिज्म्स जो होते हैं वो सोशल नॉर्म्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशन से अलग हैं फ्रॉम वो सेक्स जिससे वो पैदा हुआ है। तो बामिसलन अगर आप ये देखें कि कोई मर्द अज़ा के साथ पैदा हुआ है मगर उसको उसकी शनाख्त ऐसी है कि वो औरत है और उसको औरतों के कपड़े पहनने का सही लगता है और ऐसे लगता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, तो उसको ट्रांसजेंडर शख्स के अंदर आता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एनी पर्सन जिसकी जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन सोशल नॉर्म से अलग है, तो इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको मर्द या औरत होना जरूरी है, इसमें ये भी गुंजाइश है कि आपके नॉन बाइनरी शनाख्त कानून एक्सेप्ट करेगा। तो उसमें जो उर्दू में बोलते हैं सिन्फ मुनफरिद, तो अगर आपकी शनाख्त ही ऐसी है कि मैं ना मर्द हूँ ना औरत हूँ मगर मेरा सिन्फ कुछ और है, तो वो भी कानून गुंजाइश देता है। बिल्कुल एला, आपने ये एक्सप्लेन तो कर दिया कि लॉ किस तरीके से डिफाइन करता है और किस किस को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो उस हिसाब से आपने कहा कि जैसे लॉ जो है आपको बहुत इजाज़त देती है कि आप इलेक्शंस के लिए कर सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, आप हर मतलब आपको तालीम सेहत हर चीज़ के लिए, लेकिन जब आपके ये राइट्स इन्फ्रिंज जाते हैं या ये राइट्स आपको नहीं मिलते, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्टर जो है कहे कि भाई हम आपका नहीं इलाज करेंगे, तो आप एक्शन क्या ले सकते, लीगली आपको क्या प्रोटेक्शन? जी, ये सेक्शन 18 जो है उस एक्ट में, उसमें एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लिखा हुआ है, उसमें ये है कि आप जाके एक कंप्लेंट कर सकते हैं या तो फेडरल ऑम्बड्समैन में या नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड या नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तीन जगहों में आप जाके उनमें से किसी में भी आप जाके एक कंप्लेंट कर सकते हैं, वो कंप्लेंट फाइल करके फिर वो इन्वेस्टिगेट करके फिर वो या तो वो आपकी कंप्लेंट आप होल्ड करेंगे या आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट करेंगे। तो ये आपके एवेन्यूज हैं, कोर्ट की जगह आपको पहले इन तीन इदारों में से एक जगह आपको जाना होगा। बिल्कुल, अच्छा ये हम लोगों ने काफी दफा देखा है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इदारे बना देते हैं और लेकिन ये सिर्फ अगस्त तक होते हैं। इसके हिसाब से अगर आपको पता होगा कि इन्फोर्सिबिलिटी के लिए
या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या ये इदारे फंक्शनल हैं, क्या ये इदारे अपना काम खुद विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजडिस करते हैं, या इन या ये इदारे सिर्फ बिल्कुल ही जो है जैसे बाकी गवर्नमेंट इदारे होते हैं कि यू नो पेपर पे तो आपने ऑर्गेनाइजेशन बना ली लेकिन उसके आगे कोई ना पूछता है ना कोई कुछ करता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही हाईलाइट किया है कि ये अक्सर यही सबसे बड़ा मसला होता है कि ये इदारे या तो फंक्शनल नहीं होते हैं या बहुत बहुत आहिस्ता मूव करते हैं। तो ये और एक चीज ये है कि ये फेडरल लेवल पे जब इदारे होते हैं तो वो इंडिविजुअल से काफी दूर हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई आपकी कंप्लेंट है सिंध के इंटीरियर में आपके सक्कर में फॉर एग्जांपल, और आप जाएंगे फेडरल ऑम्बड्समैन के पास, तो फेडरल ऑम्बड्समैन आपका कहीं और बैठा हुआ होगा और आप कहीं और बैठे हुए हैं, कंप्लेंट जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट फाइल की है वो भी कहीं और बैठे हैं, उनके पास अक्सर रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। अगर वो एक्टिव भी हैं तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं इतने कि वो सही से कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट भी करें। तो ये अक्सर क्या होता है, सबसे कॉमन चीज यही होती है कि लोग करते ही नहीं है कंप्लेंट, क्योंकि वो जाके प्रेशर जो है बाहर से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, या जाके वो धरना कर लेते हैं, कहीं जाके बोलते हैं कि ये हमारे हुकूक हमको नहीं मिल रहे हैं। तो ये कानून तो बना गया है बट ऑफकोर्स ये कानून के फायदा सिर्फ इतना ही होता है जितना वो उसके इम्प्लीमेंटेशन का हो। तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी इतनी क्लियरली अभी जाहिर नहीं हुई है, क्योंकि जब हमने भी थोड़ा सा देखा था कि इसके केसेस कितने हैं हमको कुछ इतना ज्यादा मिला नहीं था। तो एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो उसमें काफी चीजें हमको जरूरत है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है सही से। सही, तो लैला जैसे आपने कानून के हवाले से बात की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की, तो उसी से ही रिलेटेड और कनेक्टेड एक बहुत ही जनरल सा सवाल है कि जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, होटल्स में जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, किसी और पब्लिक स्पेस में आप जाते हो, तो उसमें फिर आप क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हो और क्या जो है इन इन प्लेसेस पे जो भी लोग हैं वो आप आपके साथ उनका जो है वो क्या होना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आपकी जो राइट होती है एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस में ये आ जाता है, तो आपके जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं उसमें आपकी इस तरह की चीजें आ जाएंगी। और क्योंकि पब्लिक स्पेसेस का डेफिनेशन इतना कोई स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं गया है, इसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट इदारों पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपकी जो आगे रेस्टोरेंट्स की बात हो गई, आपकी काम करने की जगहों की बात हो गई, तो उसका लॉ को आप ऐसे इंटरप्रेट जरूर कर सकते हैं कि ये पब्लिक स्पेसेस के डेफिनेशन के अंदर आ जाए। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इनकार किया जा रहा है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि देखिए ये कानून के खिलाफ हो रही है ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट की, क्योंकि मुझे ये हक है कि मैं अपने सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे मैं पब्लिक स्पेस एक्सेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी पब्लिक स्पेस है जैसे आपका रेस्ट रूम हो गया जो खवातीन के लिए बनाया गया है और आप अपने आप को सेल्फ परसीव्ड खातून ही समझती हैं, ख्वाजा सरा खातून फॉर एग्जांपल या ट्रांसजेंडर खातून, तो आपको कानून ने राइट दी गई है कि जैसे ही बाकी खवातीन को एक्सेस है उस जगह को, आपको भी वही राइट है एक्सेस को। और कोई कानून इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं करेगा कि ये जो पैदावार मर्द अज़ा के साथ है मगर अपने आप को खातून समझते हैं सेल्फ आइडेंटिफाइड पर्सीव आइडेंटिटी के बेसिस पे, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर। ठीक है, तो इसके अलावा लैला अगर आप थोड़ा सा ये भी हमें बताएं कि एक जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके जो नाम है और जेंडर प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से हमें यूज करने चाहिए, थोड़ा सा इस पे आप बता दें, बिकॉज नॉर्मली हम लोग भी जब बात कर रहे होते हैं तो काफी मरतबा लोग डिफरेंट प्रोनाउंस यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी अगर आप हमें दें और हाँ इसके हवाले से। जी बिल्कुल, अच्छा इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देना चाह रही हूँ कि मैं जो बोलूंगी ये क्यों बोल रही हूँ। सबसे पहली चीज ये होती है कि जो ट्रांसजेंडर शख्स होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं काफी परेशानी और उलझन। इसको एक किस्म से अगर आप जो मेडिकल
अमेरिका का जो मेडिकल डायग्नोसिस मैनुअल है DSM-5 करके, जो आजकल सबसे जदीद तरीन है, उसमें जेंडर डिस्पोरिया किया कहा जाता है. जेंडर डिस्पोरिया ये होता है, जैसे ही कानून में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके डिटेल में लिखा हुआ है कि जो आप, जो शख्स अपने आप को, अपनी शनाख्त कुछ और है और आपके जो अज़ा हैं वो कुछ और हैं, तो उससे जो है इतनी ज़्यादा शदीद उलझन होती है कि वो शख्स को जब भी दुनिया ऐसे ट्रीट करती है, ऐसे रवैया उनके साथ आता है कि वो उनकी शनाख्त से अलग हो, तो वो उलझन बहुत शदीद होती है और उनकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है. तो उसके वजह से आपका जो है ज़हनी दबाव भी बहुत आता है, उसमें आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन और परेशानी का जाहिर करना पड़ता है. तो इसको कम करने का तरीका यही है कि आप उस शख्स को वैसे ही उनके साथ आप ट्रीटमेंट करें जैसे वो अपनी शनाख्त को उन्होंने अपनाई है. तो अगर कोई शख्स अपने आप को औरत समझता है और वो मर्द अज़ा के साथ पैदा हुआ है, या कोई अपने आप को मर्द समझता है और औरतों के अज़ा के साथ पैदा हुए हैं, तो वो उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे उनकी शनाख्त है, तो उस बेसिस पे उनकी थोड़ी सी वो जो उलझन होती है थोड़ी सी कम हो सकती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंग्रेजी की बात करें, तो अगर कोई ट्रांसजेंडर मर्द है, ख्वाजा सरा मर्द है जो अपने आप को मर्द समझता है या उसके अज़ा जो भी हों, उसको आप ही हिम प्रोनाउंस इस्तेमाल करें. और जो ख्वाजा सरा औरत है या ट्रांसजेंडर वुमन है, उसको शी हर प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करें उनके साथ. और जो नॉन बाइनरी शख्स होते हैं या सिंफिल मुनफरिद शख्स होते हैं, वो अक्सर अपने आप को वो जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं जैसे दे दें. अब इसमें मैं एक चीज ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये हर वक्त स्पेसिफिकली नहीं है कि वो वही प्रोनाउंस इस्तेमाल करें. अक्सर ट्रांसजेंडर लोग जो बाइनरी हो, मतलब या तो अपने आप को मर्द या औरत समझें और नॉन बाइनरी नहीं हो, वो भी कभी कभार जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. तो सबसे जरूरी चीज ये है कि उनसे पहले पूछा जाए. जो शख्स है, अगर आप कंफ्यूज हैं या आप अनश्योर हैं, तो आप उससे जाके पूछे. तो इसमें कोई एम्बेरसमेंट की चीज नहीं है, इसमें कोई शर्म की चीज नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांस शख्स होते हैं, और उसमें सिंफिल मुनफरिद शख्स को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, वो उनको उनसे बहुत कम लोग पूछते हैं कि आपको लिए प्रोनाउंस कौन से इस्तेमाल करें. तो जब कोई उनसे पूछता है तो उनको अक्सर अच्छा लगता है, या उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ के तौर पे आता है कि मुझे कोई एक्चुअली तस्लीम करना चाह रहा है जैसे मैं अपने आप को समझता हूँ या समझता हूँ. बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे माशरे में जो लोग हैं उनको भी सेंसिटिव होना जरूरी है इन तमाम मामलात के हवाले से. तो जैसे लैला आपने बताया कि प्रोनाउंस के हवाले से बताया, नाम के हवाले से बताया, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, अगर उसमें आपकी ट्रांजिशन से पहले वाला नाम लिखा हुआ है, तो फिर उसमें अपडेट करने में क्या मुश्किलात आती हैं, या वो आसानी से हो जाता है? क्योंकि आई एम श्योर इस प्रोसेस से आप भी गुजरी होंगी, तो इसके हवाले से आप बताएं. अच्छा, एक चीज ये है कि अक्सर ट्रांस लोग शख्स जो है अपनी NIC नहीं अपडेट करते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में उसमें काफ़ी मसले ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं बनिस्बत वो कम होने से. तो कानून ने इसी वजह से ट्रांस शख्स को राइट दी गई है, मतलब आपका हक है कि आप जाके नादरा को बोलें कि मेरी जो शनाख्त है कुछ और है और आप उसको बदलें. तो और मगर ये नहीं लिखा गया है कि आपको जरूरी है जाके आप बदलें. और वो जो आपके जो कानून ने आपको हिफाजतें दी गई हैं कानूनी तौर पे, वो उस पर रिलाई नहीं करती हैं कि अगर आपने शनाख्ती कार्ड बदला है या तब्दील की है या नहीं की है. अगर आपने तब्दील नहीं भी की हो तो वो आपको वो प्रोटेक्शंस फिर भी आपके लिए अवेलेबल हैं. तो ये एक चीज़ है. और अगर जो ट्रांस शख्स जो चेंज करना चाहता है, वो नादरा को जाके एक एफिडेविट, आप नादरा आपसे मांगता है कि आप एक एफिडेविट जमा करें. और नॉर्मली जैसे नादरा के पास आप जाते हैं और वो बोलता है कि आप एक फैमिली मेंबर को लेके आ जाएं और उसके बेसिस पे फिर वो चीज़ें चेंज करते हैं. तो अक्सर क्या होता है, ट्रांसजेंडर शख्स की फैमिली के साथ उनका ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, या तो उन्होंने घर से उनको निकाल दिया गया होता है या उनसे बात करना छोड़ दिया गया होता है. तो ये अक्सर ये
ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी फैमिली मेंबर को लेके आए, तो कानून में, खैर कानून में स्पेसिफिकली लिखा तो नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है, बट इन प्रैक्टिस जो मैंने देखा है दूसरे ट्रांस शख्स से जिन्होंने ये प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, उन्होंने यही बताया कि फिर वो आपसे एफिडेविट बोलते हैं, आप जाके खुद ही जमा कर दें और बोल दें कि मैं, मेरी सेल्फ परसीव आइडेंटिटी ये है, या जो शख्स जो गुरु चेला सिस्टम के अंदर हैं, जो खादर सिरा सिस्टम के अंदर हैं, वो अपना गुरु को भी लेके आ सकते हैं, और वो जो जहाँ बाप का नाम होता है वहाँ आपका फिर गुरु का नाम आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपने एनआईसी के हवाले से प्रोसीजर बताया, तो जैसे हमने अभी पूरे डिस्क्रिमिनेशन लॉज के हवाले से बात की, तो लैला ये बताएं कि अगर किसी के कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन, तो कोई लीगल प्रोसीजर हो कि उनको उनके राइट्स मिले, और अगर राइट्स के लिए वो कोर्ट जाते भी हैं तो कोर्ट का किस किस्म का एटीट्यूड होता है? देखिए इसमें तो कोई इतनी ज्यादा रिपोर्टेड इंस्टेंसेस है नहीं दरअसल, क्योंकि मसला सबसे ज्यादा ये होता है कि कोर्ट पहुंचने से पहले आपको काफी चीजें करनी पड़ती है। आपको अगर सूट फाइल करना है तो आपके उसकी प्रोसीजर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको क्लर्क से बात करना होता है, अगर क्रिमिनल इशू है तो आपको जाके FIR कटवाना पड़ता है, इस तरह की चीजें, तो उसी जगह में अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल इशू में जाएं, अगर किसी ने आपके साथ तशद्दुद किया है फॉर एग्जांपल, तो वो जो पुलिस होती है वो आपको सीरियसली नहीं लेती, ट्रांस शख्स की बात नहीं सुन, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर वो FIR ही नहीं दर्ज किया जाता है, तो अगर FIR अगर दर्ज नहीं किया जाता है तो कोर्ट का प्रोसीजर तो आगे उधर तक तो पहुँचते ही नहीं। तो इसी मरहले के वजह से हमारे पास इतने क्लियर स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि कोर्ट्स का एटीट्यूड क्या होगा, मगर ये हम जरूर बोल सकते हैं कि अगर पुलिस का एटीट्यूड ऐसे है और जो अर्लियर प्रोसेस में एटीट्यूड ऐसा है, तो जरूर कोर्ट्स में भी फिर सीरियसली नहीं लिया जाएगा। मगर मैं एक चीज ये कहना जरूर कहना चाहूंगी कि 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था नादरा को कि आप ट्रांस शख्स की शनाख्त आप रजिस्टर करना शुरू कर दें, ये 2018 के कानून से बहुत पहले था। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर है हमारे सामने जिसमें ये लिखा गया है कि ट्रांस शख्स को जो आईन ने फंडामेंटल राइट्स दी हैं वो उनको अवेलेबल हैं, जैसे ही नॉन ट्रांस लोग को होते हैं या जो अंग्रेजी में बोलते हैं सिसजेंडर लोगों को अवेलेबल होती हैं, वो सारी राइट्स उनको अवेलेबल हैं, और नादरा को भी उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि आप अपना एक प्रोसेस बनाएं, एक प्रोसीजर बनाएं जिसमें ट्रांस शख्स को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करना पॉसिबल हो। तो उसमें जो प्रोसेस जो बना था इवेंचुअली काफी अरसे के बाद, नादरा ने फिर ट्रांस शख्स को ऑप्शन दिया था कि आप एक्स एम या एफ की जगह अपने जेंडर मार्कर में आप एक्स कर सकते हैं, और काफी लोग जो गुरुचेला सिस्टम में होते हैं वो अक्सर अगर उनको करना है, वो अक्सर तो करते नहीं है क्योंकि उनको उसका फायदा नहीं दिखता, क्योंकि वो फॉर्मल इकोनॉमी में अक्सर नहीं होते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी में मतलब बैंक अकाउंट तो आप दूर की बात है और एम्प्लॉयमेंट तो दूर की बात है, क्योंकि वो तो इम्तियाजी इतनी ज्यादा होती है कि वो NIC का तो फायदा ही नहीं होता उन अक्सर ट्रांस लोगों के लिए, तो वो चेंज कराते नहीं है, मगर अक्सर वो चाहते हैं। और कानून में ये स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एम से एफ नहीं जा सकते या एफ से एम नहीं जा सकते, बट यूजुअल जो नादरा करता है वो एक्स ही करता है। तो इसमें जो है ना कानून में भी क्लैरिटी नहीं है कि आप बाइनरी जेंडर में आप स्पेसिफिकली ये बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे जो माशरे में खाजा सिरा शख्स जो होते हैं, जो भी गुरु चेला सिस्टम में होते हैं, वो बोलते हैं कि हम तीसरी सिंफ है, हम ना मर्द है ना औरत है, हम तीसरी सिंफ है, हम कुछ और हैं, तो उसके वजह से वो एक्स अपना चाहते हैं। बट काफी स्पेशली आजकल और यंगर जनरेशन में और जो ट्रांसजेंडर शख्स हैं जो खादर सिरा सिस्टम में है, गुरु चेला सिस्टम में नहीं है, अक्सर वो ये ऐसा नहीं समझते, वो अपने आप को समझते हैं कि हम वो ही सिंफ में हैं जो हमारी ज़हनियत हमारी सेल्फ परसीव आइडेंटिटी है। सो अगर आप मर्द अज़ा के साथ पैदा हुए हैं और अपने आप को एक औरत समझते हैं, तो वो शायद चाहेंगे कि उनके शनाख्ती कार्ड में एस की जगह एफ आए। तो इसमें कानून में इतना एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, मगर
हमारे पास थोड़ी सी एनेक्डोटल एविडेंस है कि ये शायद हो चुका है. अब उसको नादरा इन प्रैक्टिस कैसे करता है, इतनी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है. बिल्कुल, आपने ये हमें बताया कि यू नो ये आप लोग को इस किस्म के इश्यूज फेस होते हैं, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ एविडेंस. लेकिन अब इस चक्कर में हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग लीगल रिफॉर्म्स के लिए वी कॉल फॉर दैट, बट बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो लोग जैसे इर्द गिर्द आपके चाहे एम्प्लॉयर्स हो, आपके दोस्त अहबाब हो, आपके खानदान वाले हो, इवन राह चलते हुए इंसान भी हो, हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो सके. जी, तो इसमें एक चीज तो मैंने पहले ये कहा था कि जैसे अपने आप को कोई ट्रांस शख्स समझता है और बोलता है वैसे ही आप उनको तस्लीम करें. तो कोई अगर बोले कि मैं ट्रांसजेंडर वुमन हूँ या ट्रांसजेंडर मैन हूँ या नॉन बाइनरी पर्सन हूँ, सिर्फ मुस्तरक शख्स हूँ, तो उनको वैसे ही तस्लीम किया जाए, भले उनके शनाख्ती कार्ड पर जो लिखा हो. क्योंकि अक्सर शनाख्ती कार्ड लोग तब्दील नहीं करते क्योंकि उसके बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं, उसमें आपकी सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट हो सकती हैं, उसमें ट्रैवल में भी मसला हो सकता है, इस तरह की चीज़ें. तो एक चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनको वैसे तस्लीम करें जैसे वो अपने आप को बोलते हैं कि वो वैसे हैं. अगर आप उन्होंने अपना नाम बदला है, भले शनाख्ती कार्ड पर नाम बदला हो, तो आप अगर एक एम्प्लॉयर हैं या आप एक तालीमी इदारा हैं, उन वही नाम उनके लिए इस्तेमाल किया जाए जो वो बोल रहे हैं कि वो. तो उनके लिए अगर आप उनका वही लीगल नेम अगर आप इस्तेमाल करें जो उनके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है, और उनको उस नाम से बहुत उनकी एसोसिएशन ये है कि उनके साथ या तो तशद्दुद किया गया है या इम्तियाजी की गई है या उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और वही नाम आप उनके लिए इस्तेमाल करें, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी का बायस आ सकता है. तो वो आप उसको आप अवॉइड करें, तो वही नाम इस्तेमाल करें, वही आप सिंफ इस्तेमाल करें जो वो अपना बोलते हैं. दूसरी बात ये है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं. जब आपके सामने कुछ हो रहा है, अगर कोई ट्रांसजेंडर शख्स के साथ उनका गलत नाम इस्तेमाल किया जाए, और मैं गलत का मतलब ये है कि अगर उन्होंने अपना लीगल नेम शनाख्ती कार्ड वाला नाम इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, तो वो गलत नाम हो गया उनके लिए, क्योंकि वो अपने आप को वो समझते हैं. तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, उनको लोगों को बोलें कि नहीं, ये देखिए, ये अपने आप को ये नहीं समझते, इनका नाम ये है. या अगर आपने प्रोनाउंस वही इस्तेमाल किए जो उनके शायद शनाख्ती कार्ड पर हों या बचपन पे होते हों, अगर शनाख्ती कार्ड बदल गया हो तो मतलब जो आपका पहले होता था, और आप अपने आप को तस्लीम किसी और तरीके से करते हैं, तो आप दूसरों को रोकें. आप उनको बोलें कि देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये ट्रांस हैं और इनके प्रोनाउंस ये हैं, तो आप उनको करेक्ट करें. अगली चीज ये है कि जो इम्तियाजी होती है ये माशरे में फैली हुई है. अब अक्सर हम एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं कि देखिए, हम तो इम्तियाजी नहीं करते हैं, हम तो सही अच्छे लोग हैं, हम ये हैं वो हैं. मगर आप अपने अगर जिंदगी में गौर करेंगे तो आपके दोस्त कितने हैं जो ट्रांस शख्स हैं, आप कितने लोगों को ट्रस्ट करते हैं जो ट्रांस शख्स हैं, आपके अगर आपके किसी तालीमी इदारे में है वो कितने ट्रांस शख्स उधर होंगे, अगर आप काम करते हैं तो आपके कितने कॉलीग्स हैं जो ट्रांस शख्स हैं. अगर आपको या तो नहीं है या एक या दो गिने चुने हैं, तो कुछ ना कुछ हो रहा है आपके इदारे में जिसके वजह से ट्रांस शख्स बाहर रखा जा रहा है. शायद जानबूझ के नहीं किया जा रहा हो, मगर कोई ऐसी एक्सेस की चीजें होंगी, लिमिटेशंस होंगी, जिसकी वजह से वो ट्रांस शख्स उधर नहीं. तो उस पर गौर करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप जरा थोड़ा सा देखें कि कैसे हम लोगों को वेलकम करा सकते हैं कि आप आएं हमारे साथ काम करें या हमारे साथ पढ़ें. तो आपको सिस्टम्स और प्रोसीजर्स अपने चेंज करने हैं. सो एक एग्जांपल यही था कि अगर आप सिर्फ सीएनआईसी का नाम इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई ट्रांस शख्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है और आप वही नाम इस्तेमाल करेंगे, तो वो ट्रांस शख्स के लिए इतना परेशानी का बायस आ सकता है कि वो छोड़ देगा. ऐसे भी हो सकता है. तो आपको फिर उसमें अपना प्रोसीजर, अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा कि भले लीगल नेम शनाख्ती कार्ड का नाम कुछ और हो, फिर आपको उनका चोजन नेम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके चोजन प्रोनाउंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे. ये आपको अपना सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा. ये एक, अगर आप ये बोलें कि ये हमारा प्रोसेस ऐसे ही रहा है
और ऐसे ही करते हैं तो फिर उसके वजह से लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, और जब लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं तो आप सिर्फ उनको इंक्लूड करने का तरीका यही होता है कि आप अपने सिस्टम में कोई तब्दीली लाएं, और वो तब्दीली आपके लिए शायद मुश्किल हो समझने या आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, बट जो पॉजिटिव चेंज होता है सोसाइटी में मेहनत से ही होता है। तो इस तरह की चीज़ें, और एक और चीज़ ये है कि अक्सर हमने देखा है जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी आपको जाके आवाज़ उठानी पड़ती है पब्लिक स्फीयर में। तो अगर कोई ख्वाजा सरा शख्स जाके बोल रहा है कि देखिए हमारे साथ तशद्दुद हो रहा है, आप ठीक, सो ऐसी चीज़ें हैं कि आप ट्रांस शख्स को जो जिनके साथ तशद्दुद हुआ है उनके साथ या तो कत्ल किए गए हैं या उनके साथ कोई इम्तियाजी हुई है, वो 20 नवंबर को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस होता है जिसमें हम याद करते हैं और वो शख्स जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और 31 मार्च होता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं वो शख्स को जो हयात हैं, जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुल के जी रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ट्रांस हैं और हम अपनी ज़िंदगी सामने आपकी जिएंगे कि हम अपनी ऑथेंटिक तौर पे ज़िंदगी जी रहे हैं, और डिस्पाइट वही तशद्दुद और इम्तियाजी जो हमारे साथ हुआ जा रहा है। तो उसमें आप हिस्सा लें इस तरह की चीज़ों में, जैसे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस अभी आ रहा है, अभी एक हफ्ता भी नहीं है जिस टाइम पे हम रिकॉर्ड करें, 6 दिन रह गए हैं, उसमें आप हिस्सा करें और आप लोगों के गम में आप शामिल हों कि देखिए हमको दिख रहा है कि ये गलत है। अक्सर ये जो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ट्रांस शख्स ही आते हैं सिर्फ, और वो भी बहुत कम, उनके एलाइज जो होते हैं वो तो बहुत ही कम आते हैं। तो उनके साथ खड़ा होना, उनकी कहानियाँ सुनना कि देखिए ये ऐसा हुआ है, और फिर उनके हल निकालना। तो अक्सर क्या होता है हमारी मीडिया में और हम जब बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट के हवाले से कि इसमें क्या हम गुफ्तगू करेंगे, तो मैंने यही कहा था कि देखिए हमको एक ये चीज़ भी करनी चाहिए गुफ्तगू उस पर कि हम उसके बारे में कर क्या सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ और मीडिया में अक्सर मसालेदार ये चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं, हल और अच्छी चीज़ों के बारे में और यूनिटी के हवाले में ये कहानियाँ कम कही जाती, तो वो नैरेटिव को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है कि, और चीज़ें आवाज़ें उठाना होता है कि देखिए ये मेरा ट्रांसजेंडर दोस्त है या मेरा ट्रांसजेंडर मेरा रिश्तेदार है या मेरा ट्रांसजेंडर जानने वाला है और उनने ज़िंदगी में ये चीज़ें की हैं और ये इंडिविजुअलिटी है, या वो आर्टिस्ट हैं या लॉयर हैं या जो भी हैं, उनकी कहानी आप बुलंद करें, उनकी आवाज़ बुलंद करें कि लोगों को दिखे कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसजेंडर शख्स एक्सेल कर सकता है अपनी ज़िंदगी में और सोसाइटी का एक बहुत सेलिब्रेटेड विजिबल हिस्सा हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा लैला। तो ये जो आपने तमाम हमारी जो गुफ्तगू आप हमने जो अभी लास्टली जो बात की वो इमोशनल वेलबींग के अराउंड हमने खुसूसी गुफ्तगू की है। तो जैसे कि आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जेंडर डिस्फोरिया एक टर्मिनोलॉजी है और इस बेसिकली जो भी मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट होता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ट्रांसजेंडर्स, तो इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से आप थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को ब्रीफ करें और थोड़ा सा इसमें भी वजाहत करें। जी बिल्कुल, तो जेंडर डिस्फोरिया जो है ये DSM-5 जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का 5th वर्जन है अमेरिका के साइकियाट्रिक एसोसिएशन की, इसमें जेंडर डिस्फोरिया डिफाइन हुआ है एज ए चीज जिसकी ट्रीटमेंट करनी है। ना एक चीज बहुत जरूरी है बोलना कि जेंडर डिस्फोरिया एक जहनी बीमारी नहीं है, इसको जहनी बीमारी नहीं कहा जाता है, साइकियाट्रिक मैनुअल में सिर्फ इसीलिए शामिल हुई है क्योंकि अमेरिका का जो निज़ाम है सेहत के हवाले से उसमें इंश्योरेंस में एक कोड आपको देना पड़ता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वरना आपको, क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड उनकी सेहत की सिस्टम है,
उसमें अगर आपने कोड नहीं दिया है तो इंश्योरेंस आपको रीएम्बर्स नहीं करेगी उस ट्रीटमेंट के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल वर्जन 5 में डाला गया है कि उसकी ट्रीटमेंट, जिसमें आपको साइकियाट्रिक असिस्टेंट भी मिल सकती है, जैसे अगर जेंडर डिस्फोरिया के हवाले से, जिसमें आपको ये होता है कि आपकी जो सेल्फ परसीव शनाख्त है, सिंफी शनाख्त है, वो आपके आज़ा से या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से अलग है। सो आपके सिर्फ आज़ा नहीं होते जिसके बेसिस पे आपका सेक्स डिटरमिन होता है, उसमें आपके हॉर्मोन्स भी होते हैं, हॉर्मोन रिसेप्टर्स भी होते हैं, आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। उनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी आप उसके बारे में परेशान हैं सिंफी शनाख्त के हवाले से, तो उस और वो कम से कम 6 महीने तक वो बरकरार रहा है, तो उसको फिर जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोज किया जाता है। जाहिर सी बात है उसमें और भी काफ़ी नुआंसेस हैं जो एक साइकाइट्रिस्ट ही डिटर्मिन कर सकेगा, बट इसकी ये सॉर्ट ऑफ समरी यही है कि जेंडर डिस्फोरिया ऐसा है। तो ये एक बीमारी नहीं है, मगर इसकी इलाज जरूर होना होता है, क्योंकि ये परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि लोगों की जिंदगी में फंक्शनिंग अक्सर कम हो जाती है। तो अगर आप फर्ज करें, अगर किसी आपको अक्सर अगर आप शहर में रहते हैं या देहात में भी रहते हैं, देहात में भी दिखते हैं, ख्वाजा सिरा शख्स आपको दिखेंगे पब्लिक में, या तो वो भीख मांग रहे होंगे या किसी और तरीके से अपनी रोजी आमदनी पूरी करने की कोशिश कर रहे होंगे, अक्सर पब्लिक में वो अपने घर से निकाले जाते हैं और उनकी फैमिली उनसे बोलती है कि नहीं आप ट्रांजिशन ना करें, उनकी जो परेशानी और टेंशन इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए ये ज्यादा आसान है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊं जो मैं अपने आप को सही वैसे समझता हूँ, कंपेयर टू फैमिली के साथ रहूं और मैं झूठी जिंदगी अपनी झूठी शनाख के साथ रहूं। उनके लिए ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये बेचैनी इतनी ज्यादा शदीद होती है कि वो ज्यादा आसान होता है उनकी जिंदगी। और इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी आसान है, जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। जिंदगी जैसे रोड पे भीख मांगना बिल्कुल जिंदगी आसान आपकी गुजरती नहीं है। तो ये जेंडर डिस्फोरिया ये इन समरी यही होता है कि आपकी सिंफी शनाख अलग है आपके पैदाइशी आज़ा या दूसरे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से। और एक चीज़ ज़रूरी है कि जेंडर डिस्फोरिया हर ट्रांस शख्स को नहीं होता है। अक्सर ट्रांस शख्स जो होते हैं वो पॉजिटिव तरीके से उनको ऐसे पता होता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं कि वो जब अपने शनाख्त के हिसाब से या तो रहन सहन या कपड़े पहनना या बात करना या जो भी चीज़ें हम एसोसिएट करते हैं उस जेंडर से उसको अपनाते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, एक सेंस ऑफ यूफोरिया, जेंडर यूफोरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, वो उनको महसूस होता है। तो एक साइड पे आपका जेंडर डिस्फोरिया है और एक साइड पे है आपका जेंडर यूफोरिया। अब जेंडर यूफोरिया के जो है वो जो जिनके पास जेंडर डिस्फोरिया होता है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर वो अपनी ट्रांजिशन कर लें। अब ट्रांजिशन हर एक के लिए अलग होता है, उसके भी बारे में हम बात कर सकते हैं। सही, तो जैसे कि आपने तफसील से जेंडर डिस्फोरिया के हवाले से बताया, लैला तो आप हमें थोड़ा सा इसमें बता सकती हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे आपने पहले भी इस पे थोड़ी सी बात की, तो वो अगर किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं मेंटली, और क्या सपोर्ट दे सकते हैं, किस तरह से सेंसिटिव हो सकते हैं उनकी तरफ हम लोग? अच्छा, एक चीज ये है कि हर ट्रांस शख्स को लोग जो है ये सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है, कि हम आपकी मदद कैसे करें। और अक्सर क्या होता है, जो लोग स्पेशली जो लोग जो अपनी आइडेंटिटी ने रिसेंटली उन्होंने डिस्क्लोज किया है, तो उनको उनके सारे जानने वाले जो है उनको एक एक करके अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि मुझे समझाएं कि क्या हो रहा है, कैसे।
और वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि जो फर्ज करें अगर आपको दिन में 6 लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं मुझे समझाओ, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ समझाना ही रह गया है और उसमें से 6 लोग शायद समझे ही नहीं, उनमें से हो सकता है एक समझे और बाकी 5 आपसे लड़ाई करना शुरू कर दें और आपके साथ बहस करना शुरू कर दें कि नहीं ऐसे नहीं है, मुझे बेहतर पता है आपके साथ क्या गुजर रहा है। तो सबसे पहली चीज ये है, मैं यही गुजारिश करती हूँ एलाय से कि आप जो है अपने आप को एजुकेट करें। ये सारी जो रिसोर्सेज हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप 2-4 गूगल सर्च कर दें, 1-2 घंटा आप इंटरनेट पर गुजार लें, यूट्यूब वीडियो देखें या कोई आर्टिकल्स पढ़ें, ये चीजें आपको खुद समझ आ जाएंगी काफी हद तक और आपको वो ट्रांस शख्स को उन पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा कि आपको सिखाएं, क्योंकि ये जो है ये भी एक किस्म की एक मेहनत होती है, एक जज्बाती मेहनत होती है जो ट्रांस शख्स से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जैसे मैं अपनी बात कर सकती हूँ, जब मैंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की थी मुझे दिन में 5-6 कॉलें आती थी कि आप मुझे ये समझाया, मुझे वो समझाया, मुझे ये बताया, वो और वो, मतलब अगर मैं सबको जवाब देना शुरू कर देती तो मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता, मेरा ऑफिस का काम तो होता ही नहीं और मेरे जो बाकी सारे घर के काम होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होते और लोग फिर बुरा मान जाते हैं जब आप उनको इनकार करते, बोलते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे लिए बहुत मेहनत का काम है आपको समझाऊं, क्योंकि उनको सिर्फ वही दिख रहा होता है कि मुझे जो है ना क्यूरियोसिटी है समझने की और यही हल कर सकता है। अगर आप उसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लें, बोलेंगे देखिए ये क्यूरियोसिटी क्यों, और मैं ये सिर्फ इसलिए मालूम करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ कि मैं इस शख्स को सपोर्ट कर सकूँ, या मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि मुझे बस इंटरेस्ट है इस चीज में। अगर सिर्फ इंटरेस्ट है इस चीज में तो आप जाके गूगल कर लें और या किताब पढ़ लें। वो ट्रांस शख्स जो है ना जिसको आदत हुई भी है कि वो इतनी मेहनत करे और फिर भी लोग उनको रिजेक्ट कर दें, उनसे आप एक्सपेक्टेशन ना, मगर ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप उनसे बिल्कुल ना कुछ पूछें, मगर अपना होमवर्क आप पहले कर लें, अपना थोड़ा सा रिसर्च पहले कर लें। अक्सर मेरे पास फैमिली मेम्बर्स आते हैं क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ तो और मुझे बोलते हैं कि आप मुझे समझाएं, तो उनको उनसे मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि आपने क्या किया है ये समझ, और सबसे कॉमन जवाब ये होता है कि मैं तो अपने बच्चे को जानती हूँ या जानता हूँ। तो इसका मतलब है उन्होंने बैठ के कुछ ढूंढा नहीं है, पढ़ा नहीं है और आके उन्होंने किसी और से बोला कि नहीं मुझे समझा दे, मैं ऐसे ही समझना चाह रहा हूँ। तो वैसे फिर जो होता है आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप ट्रांस शख्स पे सारी मेहनत उन पे डाल रहे हैं और वो ट्रांस शख्स के साथ ये गुजर रहा होता है कि वो उनको ये भी नहीं पता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा भी होगा उस मेहनत का नहीं, या वो शख्स वो चीज़ें तस्लीम करने से इनकार। तो आप अब सबसे पहले अपनी रिसर्च, फिर उसके बाद आप उनसे जो शख्स है उससे आप ये पूछें एक बहुत जरूरी अहम सवाल है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। वो अपनी जिंदगी के माहिर हैं, ठीक है, वो उन्होंने उनको पता है कि उनकी परेशानी कहाँ ज्यादा होती है, किस चीज में ज्यादा होती है, कपड़ों में ज्यादा होती है, आपके जिस्म में ज्यादा होती है, आपकी जहनीत में ज्यादा होती है, रहन सहन में ज्यादा होती है या कॉम्बिनेशन है, अगर कौन सी जगह में उनकी बेचैनी ज्यादा होती है और उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो उनसे पूछें। अब आप जाके सिर्फ उनसे ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दें कि आपके, ठीक है, आपके अज़ा क्या हैं और आप ट्रांजिशन में क्या मेडिकल प्रोसीजर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सवाल से उनकी जो है बेचैनी या परेशानी कम नहीं होगी, बनस्बत उससे बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्तकिल अगर कोई इंसान आपके आके आपसे पर्सनल सवाल पूछना शुरू करे और बोले कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाह रहे हैं, वो किसी और के इख्तियार में नहीं है, वो सिर्फ उस शख्स के इख्तियार में है कि वो अपनी हेल्थ केयर कैसे उसका हेल्थ केयर के डिसीजंस, अपनी सेहत के डिसीजंस, अपनी सेहत के फैसले वो खुद ही करे। वो सिर्फ उसी वक्त आता है उनका इख्तियार जब वो शख्स आके आपसे या तो मशवरा करे या आपसे गुजारिश करे कि आप मुझे सपोर्ट करें, बोले कि ठीक है मुझे आपकी, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करें। तो ये दो चीज़ें होंगी, एक आपको खुद अपने एजुकेट करना है, अपने आप को खुद सीखना ही चीज़ है,
दूसरा आपने ये करना है कि जो ट्रांस शख्स है आपकी जिंदगी में उनसे आप पूछें और सुने, और सुनने का भी तरीका ये होता है कि आप सुने समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपका रवैया ऐसा है कि मैं सुनूंगा कि मैं उनको इनकार कर दूं और उनको समझा दूं कि वो गलत क्यों है, तो आप सही में सुन रहे नहीं। आपको ये सुनना है कि इनकी परेशानी कहाँ से आ रही है और उसके बारे में कर क्या सकते। बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि एक बहुत ही ज़हनी दबाव के थ्रू होता है, और हमारे माशरे में वैसे ही एक ये प्रॉब्लम है अनसोलिसिटेड एडवाइस का, या हम लोग दूसरे की बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा ओवर स्टेप कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यू नो जो दूसरा इंसान सुन रहे हैं वो इस सवाल से कम्फर्टेबल नहीं है। तो इसी के साथ लैला हम इस पॉडकास्ट के अख्तिताम पर पहुँचते हैं, और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि आपके इस पॉडकास्ट से जो है लोगों का नज़रिया और जो है बाइनरी लोगों के लिए या फिर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, ख्वाजा सरा के लिए थोड़ा सा बदल जाए एंड थोड़ी नरमी है। तो इससे पहले मैं ये पॉडकास्ट खत्म करूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा मैसेज है जो कि हमने इस पूरे पॉडकास्ट में कवर नहीं किया है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो लीगल रिफॉर्म की तरफ हो या वो एक चेंज इन एटीट्यूड हो, यू नो जस्ट दैट पीपल आर अ बिट मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स के हवाले से। हम जो है सूबों में काफी कोशिश कर रहे हैं कि उधर भी कानून नाजी एक्ट्स पास हो प्रोविंशियल लेवल पे, जिसमें ये राइट्स कानून में इंश्राइन हो। मगर हमको ये भी अवेयरनेस है कि सिर्फ कानून तब्दील करने से या कानून लिखने से आपकी राइट्स हासिल नहीं हो। वो राइट्स हासिल करने के लिए हम यही चाहते हैं कि आप अपनी काम की जगहों में जाएं और आप अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से बात करें, बोलें कि आप ट्रांस शख्स के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई पॉलिसी है इंक्लूजन की, अगर पॉलिसी है उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि सिर्फ पॉलिसी बनाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको प्रोसीजर बनाने होते हैं, प्रोसीजर फॉलो भी करने होते हैं। अगर आप किसी ट्रांस शख्स को जानते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनसे बैठ के उनकी परेशानियां सुने और समझें, और अगर किसी को नहीं जानते हैं तो आप अपनी जो है सोशल सर्कल को एक्सपैंड करें, ट्रांस शख्स के साथ रीच आउट करें, उनसे आप उनको इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें कि आप हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रांस शख्स अपनी ज़िंदगी के माहिर हैं, वो अपनी परेशानी के माहिर हैं, उनकी परेशानी आप समझें, और वो जो अपने जो उसके हल निकाल के आपको बता रहे हैं उनको आप अपनाएं। खुद ये अपने हल निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर खुद हल निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कम पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू पर बात की।